हर हर महादेव एवरीवन, जय माता दी भक्तों। आज एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हम। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता भगवती पराम्बा की कृपा हो, यदि आपको तंत्र विद्या में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या आप चाहते हैं जीवन में आपके जो भी संकट चले आ रहे हैं वो समाप्त हो जाए माता भगवती की कृपा से, तो ऐसे में आपके पास शुभ अवसर है गुप्त नवरात्रि का। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि शीघ्र फलदायी होती है। इसमें हम 10 महाविद्याओं माता की उपासना करते हैं। साल में 4 नवरात्रि होती है, एक माघ की, चैत्र माह की, आषाढ़ और अश्विन माह की। माघ और आषाढ़ माह की नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमें माताओं की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं। प्रथम माता हमारी माता काली की। माता काली 10 महाविद्याओं में से प्रथम माता है और इनकी पूजा करने से हमें अपने विरोधियों पे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। यदि आपके शत्रु आपको परेशान करे तो आपको माता काली की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दूसरी माता हमारी तारा माँ है। तारा माता की आराधना सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ ने की थी। इनकी आराधना करने से हमें आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं आपको मोक्ष मिल जाए तो आपको अवश्य माता तारा की आराधना करनी चाहिए। तीसरी माता हमारी त्रिपुर सुंदरी माता, जिन्हें हम ललिता या राजरेश्वरी भी कहते हैं। बोले राजरेश्वरी माता की जय हो। इनकी पूजा करने से ना, आराधना करने से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष चारों पदार्थों की हमें प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलेंगे माता त्रिपुर सुंदरी की जय। अब इसके बाद माता भुवनेश्वरी आती है। माता भुवनेश्वरी, यदि आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको चाहिए गुप्त नवरात्रि में माता भुवनेश्वरी की अर्चना जरूर करें, साधना जरूर करें। फिर हमारी छठी माता है माता छिन्नमस्ता माँ। इनके आराधना करने से ना, समस्त प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन से समाप्त हो जाती हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं पूरी होती हैं। फिर माता भैरवी आती है, त्रिपुर भैरवी। इनकी उपासना करने से ना, हमारे जीवन में जो भी बंधन है हम उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। माता धूमावती आराधना करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। माता धूमावती की आराधना में एक बात याद रखनी है, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपको माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माता का जो स्वरूप है ना, उसमें माँ विधवा स्वरूप में है। माता का वो स्वरूप आपके लिए पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख आता है। बाकी आगे आपकी मर्जी, माता की मर्जी। फिर माँ बगलामुखी की उपासना। माता बगलामुखी की उपासना करने से वाक सिद्धि के प्राप्त होती है। वाक सिद्धि मतलब जब आप बोलते हैं ना तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपका बोला हुआ सही होता है। फिर हमारी अगली माता है माता मातंगी। इनकी उपासना करने से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। जी हाँ, आप चाहते हैं ना कि आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आपकी जोड़ी अच्छे से बनी रहे, आप दोनों में प्रेम बढ़े, तो ऐसे में माता मातंगी की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर हमारी 10वीं माता है माँ कमला। माँ कमला की आराधना करने से हमें धन और संतान दोनों की प्राप्ति होती है। यदि आपको संतान प्राप्ति कामना है, आप चाहते हैं आपको अपार धन मिले अचानक से, तो आपको माता कमला की अवश्य आराधना करनी चाहिए। माता कमला का बहुत सुंदर मंत्र है, ओम नमः कमल वासिन्य स्वाहा, नमः कमल वासिन्य स्वाहा, नमः कमल वासिन्य स्वाहा, माता कमला का ये मंत्र है। चर्चा करते हैं घट स्थापना की। यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है 19 तारीख को सुबह 5:23 से 7:27 का। इस अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 11:55 से लेकर 12:50 की अवधि के बीच में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब आपने घट स्थापना कर ली तो आपको पूजा किस समय करनी है, इसकी भी चर्चा करते हैं। पूजा आप सुबह भी करेंगे और शाम को भी करेंगे, और रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो साधना होती है ना वो रात में की जाती है, तो पूजा तो आप सुबह और शाम करिए। साधना जब करने बैठते हैं, माता के मंत्रों का जाप करने बैठते हैं, तो वो आपको रात में करना चाहिए। 11:30 से 1:30 के बीच का समय बहुत अच्छा समय होता है। जो साधक होते हैं, तंत्र साधना करना चाहते हैं, वो तो पूरी रात बैठ करके माता के मंत्रों का जाप करते हैं। यहाँ आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने सर पर काली हल्दी का तिलक करके तब उसके बाद साधना में बैठें, संकल्प लेकर के, तो आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। पूजा सामग्री की चर्चा करें तो नवरात्रि में जैसे हम पहले बाकी नवरात्रि में पूजा करते हैं, उसी विधि से आपको पूजा करनी है। आप 10 महाविद्या माता की पूजा नहीं करना चाहते तो आप 9 दुर्गा माता की पूजा करिए। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माता की, स्कंद माता, कात्यायनी माता की, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता की आराधना करिए। आपको पूजा सामग्री में चाहिए लाल रंग की चौकी, सही है, मतलब चौकी को आप खूब अच्छे से लाल कलर के कपड़े से सजा दें, और आपको माता को लाल कलर की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। फल, फूल, आम के पत्ते, पान, सुपारी,
लौंग, बतासा, हल्दी की गांठ, पिसी हल्दी, रोली, शहद, शक्कर, पंचमेवा, जावित्री, नारियल, गंगाजल, दीपक, ये सभी जो सामान होते हैं माता के पूजा के लिए विशेष रूप से यूज होते हैं। यदि आपके मन में कोई और डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। हर हर महादेव, जय सियाराम, जय माता दी। भक्तों, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें अपने इंस्टा एफ बी एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी तक जानकारी पहुंचे, ये आपकी और मेरी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर हर महादेव।